क्लास सेवन्थ। अब हमने अल्फ़ाबेट जो है पूरे लिख लिए हैं, ए से लेके अब हमारे जेड तक आ गए हैं सारे इसमें अल्फ़ाबेट। अब हम इन्हें कलर भरने का काम शुरू करेंगे। तो पहले तो हम इसकी आउटलाइनिंग लगाएंगे। तो आउटलाइनिंग आपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को लगानी है, इधर से लगानी है, इधर से इधर को लगानी है आपने। और ये जो स्केल है इसको भी आपने उल्टा करना है, उल्टी सीधे से लाइन लगानी है, उल्टा करके रखना है और स्केल को उल्टा करके रखना है। और जो जो लाइन आपको चाहिए उसी के ऊपर लाइन लगानी है, बड़े ध्यान से लगानी है। अगर आप एक बार लगा लेंगे लाइन तो फिर आपकी मिटेगी नहीं, तो सोच समझ के लाइन लगानी है। जैसे हमने एल लाइन के पॉइंट के ऊपर लगानी है, तो यहाँ एल के जितनी हमें चाहिए लाइन उतनी ही लगानी है। और ब्लैक ब्लैक स्केच का पेन का ही प्रयोग करें और सोच समझ के लाइन लगानी है। अगर एक बार आपने लगा दी फिर आपसे मिटेगी नहीं। ब्लैक स्केच पेन से ऐसे होता है कि आप ध्यान से लाइन लगाएं। तो पहले आप जो खड़ी लाइनें हैं, जैसे हमारी खड़ी जो लाइनें हमारी आ रही हैं, एक बार देख लेना कि मैंने ये लाइन लगानी है कि नहीं लगानी है। ऐसे जैसे कहीं से भी इधर से स्टार्ट करें इसको, इधर से इसलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं अगर हम इधर को करेंगे स्टार्ट तो हमारे अक्षरों के ऊपर जो ब्लैक स्केच पेन लगाया हुआ है अपने ना, वो मिट जाएगा, फिर वो ख़राब कर देगा। तो इसलिए हम पीछे की तरफ हट रहे हैं सोच समझ के। जैसे अब हम जे के ऊपर आ गए शब्द के ऊपर, तो सोच समझ के लाइन लगाने की, मुझे इतनी ही लाइन चाहिए, देख लेना शब्द को ढंग से, फिर आपने ये लाइनिंग करनी है इसकी। पहले आपने खड़ी ही लाइनें लगानी है, एक तरफ को लगा लें कि मैंने इधर का काम करना, पहले खड़ी लाइनें लगा लेनी है आपने सारे के जितनी भी आपके पास लाइनें हैं। अब हमारे पास आई शब्द है, कई बच्चों ने आई हो तीन सब तीन तीन उस खाने में लिख दिया, उसको हमेशा एक में ही लिखना है आपने। आई और डब्ल्यू और एम ये तीन शब्द जब लाते हैं स्पेलिंग के बीच में तो ध्यान रखना, आई के लिए एक ही स्थान छोड़ेंगे हम, और जो हमारा डब्ल्यू है उसके लिए चार रखे जाएंगे और एम के लिए भी चार रखे जाएंगे। तो ये जब हम लिखना शुरू करेंगे ऐसे इसको पूरा करें। मैंने थोड़े से अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपने इधर से पकड़ना है इसको। अब हमने एक अक्षर में तैयार कर देता हूँ आपके लिए, ये हमारा एल अक्षर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमने ऊपर से पहले ऊपर वाली लाइन लगा लें, इसे पूरे जो लाइन जितनी चाहिए उतनी ही लगाएं, क्योंकि स्केच पेन से अगर आपने लाइन लगाई है फिर बाद में मिटेगी नहीं आपसे। तो उतनी ही लाइन लगाएं जितनी हमें चाहिए। मैं आपको कुछ एक अक्षर ही बना के दिखाऊंगा, और जहाँ हाथ से करना काम वहाँ हाथ से इसको डर कर दें, इसे गुलाई हाथ से दे दें, जो हमने हाथ से लिया हुआ काम उसको हाथ से ही करें। ऐसे हमारा एच शब्द आ जाएगा, मैं कुछ एक के ऊपर ही करूँगा, आप सारे इसको कर लें। फिर दो कल अगले अगला जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा वर्क होगा वो होगा हमने इसमें रंग भरने का काम। तो पहले एक दिन आपने ये सारे अभी कंप्लीट करके इसमें कंप्लीट कर लेना है, इसमें सारे में आउटलाइनिंग करनी, फिर मैं आपको रंग भरना सिखाऊंगा। बस लाइनें बड़े ध्यान से लगाएं, लाइन अगर आप आगे पीछे ले जाएंगे तो फिर आपका जो बनाया हुआ अल्फ़ाबेट है वो ठीक नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे पहले खड़ी लाइनें लगा लेनी है आपने सारे में, और कोशिश करें कि ब्लैक स्केच पेन से ही आउटलाइनिंग लगाएं। इस तरह इसको आप सारा कंप्लीट कर लें।